हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं जोहान और आप देख रहे हैं जोहान टेक्निकल टिप्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि हम जब व्हाट्सएप स्टेटस को हम ऑडियो में किस तरह से पोस्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। हम कोई भी स्टेटस होता है हम उसको वीडियो में या इमेजेस तो हम पोस्ट कर देते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कोई अपना हमारा कोई स्टेटस है तो हम उसको म्यूजिक में पोस्ट करना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको बताता हूं कि आपको किस तरह से पोस्ट करना है। सो फ्रेंड, ये आप देख सकते हैं व्हाट्सएप आ रहा है, हम इसको ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक कर देते हैं। यहाँ देख सकते हैं व्हाट्सएप का ये चैट सेक्शन है, हम स्टेटस वाले सेक्शन पे आ जाते हैं। स्टेटस वाले सेक्शन में आने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं कैमरे का ऑप्शन आ रहा है नीचे साइड में, पेंसिल और कैमरे का, तो आपको कैमरे के ऊपर क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप जैसे इसको कैमरे के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि स्टेटस मैंने ऑलरेडी निकाल के रख दिया है ताकि मेरे पास कॉपीराइट का कोई इशू ना हो, इसलिए ये मेरा एक स्टेटस है। पहले मैं आपको इसको सुना देता हूँ। सो फ्रेंड्स, यह है स्टेटस। तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं, इसके अंदर ऑडियो है तो इसको मैं चाहता हूँ ये मेरा ऑडियो में लग जाए, ओनली ऑडियो आए। आप इसके अंदर सॉन्ग भी लगा सकते हैं, कोई भी गाना ले सकते हैं, बट मैं इसके अंदर गाना इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि मेरा कॉपीराइट आ सकती है मेरे वीडियो पे, इसलिए। सो फ्रेंड्स, आपको बताता हूँ मैं आपको करना क्या है, ये आपको ऑडियो में किस तरह से पोस्ट होगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पेंसिल का निशान आ रहा है ना फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं आप पेंसिल का निशान आ रहा है, तो ऊपर कोने में आ रहा है पेंसिल और टी टेक्स्ट बना हुआ है और इमोजीज का आइकन है, तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद क्लिक करने के बाद आप यहाँ से कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैं कहूँगा आप रेड कलर कर लेंगे, जो आपकी मर्जी हो या आप अपने ऊपर डिपेंड करते हैं, आप कोई भी ले सकते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ आपको करना कैसे है। ठीक है, यहाँ पर अब आपको सेलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर टैप करके रखना है स्क्रीन के ऊपर। जैसे ही आप टैप करेंगे आप देख सकते हैं पूरी स्क्रीन का कलर चेंज हो चुका है। देन आपको क्या करना है, ऊपर देखते हैं इमोजीज का आइकन है, इमोजीज के ऊपर क्लिक करना है आपको, और मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। इमोजीज के क्लिक के आइकन के ऊपर इसके बाद ये एक बार आइकन आता है म्यूज़िक का। ठीक है फ्रेंड्स, म्यूज़िक वाले के यहाँ पर पोस्ट कर देना है, और आप इसके अलावा भी कोई एक आइकन ले सकते हैं जो आपको कोई अच्छा लगे। तो मैं यहाँ पे वाला सेलेक्ट करता हूँ फ्रेंड्स, और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये यहाँ कर दिया है ये वाला आइकन, और जब म्यूज़िक चलेगा तो जो है ना ये हर्ट जो है ना ब्लिंक करेगा, बहुत ही शानदार लगेगा। ये काफ़ी एडिटिंग भी नहीं है इसके अंदर, सिंपल स्टेप में आपका लग जाएगा ये स्टेटस। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो, चलिए मैं आपको पहले, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ। और मैं आपको ये चलिए पोस्ट भी करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से वर्क करता है। सो फ्रेंड, ये हम यहाँ पे इसको पोस्ट कर देते हैं स्टेटस को। सो फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं ये सेंड हो रहा है स्टेटस। सो फ्रेंड्स, अभी ये सेंडिंग हो रही है, मैं देख लेता हूँ डेटा खुला हुआ है नहीं खुला मेरा। यस, मेरा डेटा ऑन है। तो फ्रेंड्स, कुछ ही देर में अभी ये हो जाएगा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये सेंडिंग चल रही है। बस फ्रेंड्स, इंटरनेट इशू है, यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे आपका सॉन्ग लग चुका है MP3 में, जो आपका कोई भी आप सॉन्ग लगा सकते हैं। ये तो मैंने ऐसे एक आपको एक एग्जांपल दिया है, तो आप कुछ भी लगा सकते हैं इसके अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ देखते हैं, मैंने आपको कहा था आपका जो हार्ट है यहाँ पे ब्लिंक करेगा, और ये आइकन आ रहा है म्यूज़िक का। काफ़ी अच्छी ट्रिक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं।